तारीख बड़ी खास है। 1 सितंबर को दो अनमोल साहित्यकारों विजयदान देथा जी और दुष्यंत कुमार का जन्मदिन आता है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विजयदान देथा की कहानी। कहानी का नाम है आछो मारो टंटन पाल। ये कहानी राजस्थानी और हिंदी भाषा में मिक्स है और देथा जी की पुस्तक एकावती कहानियों से ली गई है। एक शौकीन सी पत्नी ससुराल आई तो सुहागरात से ही उसको अपने पति का नाम कतई पसंद नहीं आया। कितना भद्दा नाम है, टंटन पाल। सुनते ही जीप टंटनाने लगती है, कानों में जैसे रिचीटियां रेंगने लगती है। कुछ दिन तो वह मन मारकर चुप रही, अपनी रुचि का किसी को आभास तक नहीं होने दिया, पर मन ही मन झुझलाती रही। आखिर एक दिन उसके सब्र का ताल टूट ही गया और उसने अपने पति को अपने मन में उबलती बात बता दी। आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं जी, हजारों में एक, पर भद्दे नाम ने आपकी सभी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया है। मेरे मायके में तो गायों तक के कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं, गौरी, लाखी, कजरी, बुलगी वगैरह वगैरह। टंटन पाल भी कहीं किसी बंदे का नाम होता है। अब पति निहायत भला था तो पति ने कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बदल दो, मैं वही नाम रख लूंगा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। नई बहू तनिक रूठ कर बोली, मेरी खुशी? आपको अच्छा लगता है ये नाम टंटन पाल, सच बताओ? पति का मन तो एकदम साफ था, अकृत्रिम भाव से कहने लगा, अच्छा लगने की बात ही नहीं है, आखिर नाम में धरा क्या है? पुकारने का एक तरीका ही तो है, अच्छे नाम से कोई आदमी थोड़े ही अच्छा हो जाता है। फिर भी अच्छा नाम रखने में बुराई क्या है, मेरा वश चले तो मैं सूरज, चांद और धरती का भी नाम बदल दूं, पत्नी बोली। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो पहले मेरा नाम बदल कर बताओ, जो कहोगी रख लूंगा, तड़के ही रवाना हो जाओ, जिस गांव में किसी का नाम अच्छा लगे तो बता देना, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा, तुम्हारे साथ रहने के एक एक क्षण पर मैं 100 प्राण निछावर कर सकता हूँ। घर वालों को बता दूंगा कि तुम्हें मायके की याद आई थी, सो दिन उगने से पहले ही तुम मायके रवाना हो गई, पर अच्छा नाम न मिले तब तक लौटने की जल्दी मत करना। विदाई के उन चुंबनों को आदान प्रदान की संज्ञा देना कतई संगत नहीं है, वह तो केवल ग्रहण, केवल और केवल ग्रहण करना ही था, बिना किसी को कुछ दिए फकत पाना ही पाना था। नई दुल्हन का मन तो पति से एक कदम भी दूर जाने का नहीं था, पर अच्छे से नाम की तलाश में उसे जाना ही था और वह गई। पहले गांव में पहुंचते ही उसे जंगल में कंडे बीनती एक औरत मिली, जैसे बदसूरत वैसे ही फटे पुराने चिथड़े। नाम पूछा तो कंडे बीनती उस औरत ने तनिक गर्व के साथ बताया, लक्ष्मी। दुल्हन को एकाएक विश्वास ना हुआ, आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा, क्या तुम्हारा नाम है लक्ष्मी? और नहीं तो क्या, गांव में किसी से पूछ लो, मेरे अलावा किसी का नाम पूरे गांव में लक्ष्मी नहीं है। नई दुल्हन ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा। उसने अपनी नापसंद पसंद कुछ भी जाहिर नहीं की, अधबुझे मन से आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे गाय चराता एक ग्वाला मिला, नंगे पांव, झीर झीर लत्ते, फटे मैले से साफे से ठो ठो लच्छियां लटक रही थी, पीले दांत। नई दुल्हन ने अचरज प्रकट करते हुए कहा, इतनी गायों के होते हुए भी तुम्हारा ऐसा बदरंग हो लिया? ग्वाल ने जो सही बात थी वह झट उगल दी, कहा, गायें तो गांव की है, मैं तो फकत ग्वाला भर हूँ, रोटी और कपड़े मिल जाए यही क्या कम है। दुल्हन के कानों में एक फटाका छूटा जब उसने उस ग्वाले का नाम सुना। ग्वाले का नाम था धनपाल। दुल्हन ने कहा, धनपाल और तुम्हारा नाम, गजब है। क्यों, इसमें क्या अजब गजब, माँ बाप ने बड़े दुलार से रखा था सो अभी तक चल रहा है। दुल्हन की आंखें ऊंची ललाट में चढ़ गई, पर धनपाल की कुछ समझ में नहीं आया। उसने बच्चे की तरह मोद से कहा, हाँ टनाटन, वरना अब तक पूरा पिस गया होता, रोज न जाने कितने दांतों से निकलता है। दुल्हन का मन एकदम खट्टा हो गया, फिर भी वह डगमगाते पामों से अपनी रौ में आगे बढ़ गई। बस्ती के बीच पहुंचते ही उसे घर घर भीख मांगता एक अंधा मिल गया। भिक्षा के पात्र में 1 रुपया डालते हुए उसने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? अंधे भिखारी ने मुंह उठाकर कहा, नैनसुख। बहू की समस्त चेतना जैसे एक झपाटे में बुझ गई,
आंखों के नाम पर पुतलियां तक नहीं थी, कीचड़ नुमा दो गड्ढे। मन ही मन फुसफुसाई, इसका नाम और नैनसुक। भिक्षा के पात्र में एक और रुपया फेंक कर वह अपने ससुराल की तरफ बेतहाशा भागी, जैसे कि पागल हो गई हो। दो घड़ी दिन रहते वह अपने पति के पास लौट आई। उसके गले में बाहें डालकर हाफते हाफते बोली, लिचमी तो छाणा भी ने गाया चरा वह धनपाल, नैन सुख जन्म रो आंधो आछो मारो टन टन पाल। बस आगे कुछ भी पूछा तो तुम्हें मेरी आंखों की कसम। पति कुछ न बोला, उसने पहले ही उसके होठ अपने मुंह से बंद कर दिए थे। नमस्कार।